अबे भैया यार लेट हुई गया हम बहुत, हमें मंत्री जी के लौंडे के जन्मदिन में जाना है, उनके कई फोन आ चुके हमको जाने। मियां ना 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 नहाने पहले हम जाएंगे, हटिए भाई जी जफर। हमें पता है आप यही कहेंगे, भाई जी जफर हम आपके मेहमान हैं, लेकिन मियां देखिए सुबह गुसल खाने हमने आपको अपने पेट पे पत्थर रख के जाने दिया था, लेकिन नहाने पहले आप ना जा पा सकेंगे, हटिए। मालिक हम दो मिनट में सैंपल वाक नहा लेंगे। नहीं तो समझ लीजिए हमको दुकान खोलनी है, नुकसान आपका ही होगा। कैसे चाय उबलेगी? हाँ पैसा कैसे आएगा? हाँ हाँ पहले आप ही जाएंगे, ठीक है? तो लाहौल बिलाकुवत हमने ये वेस्टर्न टॉयलेट अपने बाथरूम में बनवा के गलती कर दी। इंडियन ही रखना चाहिए था मिश्रा जी की तरह। इधर इंडियन है, कोई जाता ही नहीं है, सबको वेस्टर्न में जाना है। सीट पे बैठ के नहाएंगे ना सब उस पे। अरे ये सब छोड़िए, हमें पहले जाने दीजिए, हमें मंत्री जी के बेटे का जन्मदिन कवर करने जाना है, हमें पहले जाने दीजिए। नहीं तो नहीं तो क्या मियाँ? नहीं तो अंदर ही छाप देंगे। मियाँ आप नहाते भी हैं, हमें इस बात का इल्म आज हुआ। बड़े भाई हम दिन में चार चार बार नहाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन मियाँ मियाँ एक काम कीजिए, आप ऐसे चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें तेजाब डालिए और अपना मुंह उसमें ऐसे डुबो दीजिए, सारे मैल धुल जाएंगे। आप इसी फॉर्मूले से नहाते हैं? बेशरम। अबे हमको एक चीज भाई जी नहीं समझ में आ रही, लौंडे बच्चे सब स्कूल गए हैं, सकीना भाभी और छोटा नूर ऊपर हैं, तो ये क्या अंदर बंदर घुस के बैठा है क्या यार? ये बंद कैसे? हाँ मियाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। ए, कौन है अंदर? अब बेटा क्या है, अब हमारे टॉयलेट के सामने तो लाइन लगी है ना, और हमको बड़ी जल्दी थी। लेकिन एक बात तो है, विदेशी टॉयलेट में बैठ के बकेती करने का अपना ही मजा है। ऐसे कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा चेता सामान है? नहीं? तुम्हारे पिता सामान है? हरी बोल। अबे अर्दा पर्दा सब छूते भय गए हैं यार। अरे बिट्टू मियां, बिट्टू मियां, हम आपकी फोटो नहीं छापाएंगे बर्थडे वाली। शांति जी आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। झूठ तो बोलो मत मिश्रा जी, ये मांगने के चक्कर में ही तीन बच्चे हुए हैं। गलत बात मत बोलिए शांति जी, आदि खुद ब खुद हुआ था, उसके बाद दो बार हमने मांगा था, वो भी बहुत प्यार से। लो फिर और सुन लो, ये प्यार से मांगना क्या होता है? मांगना तो मांगना ही होता है। हमारा मतलब है उस तरह से नहीं मांगा था ना। ये उस तरह से, इस तरह से, ये सब क्या होता है? हर तरह से तो मांगते ही रहते हो, एकदम महा मांगो पार्टी हो तुम। याद नहीं है तुम्हें कल तुमने क्या किया था? एक गिलास पानी मांग लिया था हमसे। अरे हमको अपना बिस्तर छोड़ के किचन तक चल के आना पड़ा था, और उससे भी तुमको चैन नहीं पड़ा। उसके बाद तुमने हमसे एक चम्मच मांग लिया चावल खाने के लिए। मार अंग्रेज बने हुए थे बिल्कुल, उंगलियों से नहीं खा सकते थे। हम मानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारे हर काम में हाथ बटाया है, सब्जियां काटते वक्त चाकू हमेशा आपने ही दिया है, अपने पैर ऊपर करके हमारे ताजे लगे पोछे को गंदा होने से बचाया है, सब्जियां पकाते वक्त हमेशा आपने ही गैस ऑन करके दी। तो अब और क्या कर दें, जान दे दें अपनी तुम्हारे लिए। शांति जी हम बस इतना चाहते हैं जब तक ये लोग घर में हैं तब तक घर का सारा काम आप खुद कर लें। खुजली मच रही है बेगम, खुजली। ये सब मांगने से पहले आपने मेरी जान क्यों नहीं मांग ली मियां? ये चीज दिखाने के लिए लेकर आए थे आप हमें बेगम बनाकर? ना 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 बेगम, देखिए आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखिए हम तो बस ये फरमा रहे हैं कि कुछ ही दिनों की तो बात है ना सक्कू। मैं एक बात बताइए, आप हमने आज तक आपका कोई कहर डाला है क्या? हमेशा इसको हमें शायद ही याद हो कि कभी आपने बात टाली हो। हम याद दिलाते हैं, उस दिन याद है आपका पैर हमारी सैंडल के नीचे आ गया था, आपने हमसे गुजारिश की थी ना कि अपनी सैंडल हटा लीजिए, हमने फौरन हटा ली थी, और आप आज हमसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं, हम कैसे दे दें मियां? अच्छा है,
बहुत अच्छा है बेगम। देखिए आपकी सैंडल वाली कुर्बानी के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स बोलिए। थैंक्स थैंक्स बेगम थैंक्स। देखिए हमारी इज्जत का सवाल है बेगम, अगर इन लोगों को पता चलेगा कि घर के सारे काम हम करते हैं तो मार्केट में हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे, हमारी बहुत खिल्ले उड़ाएंगे बेगम। बेगम देखिए हमें शर्मिंदा होने से बचा लीजिए ना बेगम। अल्लाह हम क्या करें, हम आपके पैर पड़ते हैं बेगम। क्या करें मियां? बेगम हम आपके पांव पड़ते हैं। अरे छोड़िए मियां, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। ना ना ना, अरे छोड़ दीजिए। ना ना पांव पड़, छोड़िए मियां। ना ना, बस एक दो दिन तक, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे बता दे रहे हैं। शुक्रिया बेगम, हमें मंजूर है, शुक्रिया। ये लीजिए। पूरा कैसे खाएंगे? अच्छा ये लीजिए। थैंक्स मियां। चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो मौज दिलाए भरपूर उसको कहते हैं बिट्टू कपूर। मौज आ रही ना भैया सबको? बिट्टू भैया पता नहीं क्या करें लेकिन मौज आ रही है। वाह बिट्टू भैया मजा आ गया। हमारा तो ना जाने कब से सपना था कि मालिक हमको चाय दे और हम राजा की तरह बैठ के आइठन में चाय पिए। आप लोगों की वजह से हमारा ही सपना पूरा हो गया। और वो जो फ्री के आलू के पराठे छापे हैं, वाह बिरयानी मटन चिकन, और शांति भाभी के हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। क्या बात है, क्या दिमाग लगाया बिट्टू भैया। अरे कूड़े, ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। ना जाने आप क्या बोले लेकिन मौज आ रही है। अबे हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तो पूरे बाजार को पता चल जाएगा, इसलिए आराम से धीरे धीरे मौज लो। इनका कहने का मतलब है बने रहिए लुल और मौज लीजिए फुल। अरे बिट्टू भैया पता नहीं आप क्या बोले लेकिन मौज आ रही है। बात बिल्कुल सही कह रहा है चच्चू। हवेली वालों को ये पता ही नहीं है कि हम लोगों का घर वर कुछ नहीं टूट रहा है, बल्कि अग्रवाल बिल्डर ने पैसा दिया है कि हवेली में घुस के हवेली खाली करानी है। मतलब इतना इन लोगों के पुदीना बो देना है मित्रा मिर्जा के कि ये खुद किसी दिन रात में लौंडे बच्चे ले हवेली छोड़ के भाग जाएं। उसके बाद समझो हवेली में बिट्टू कपूर का कब्जा हुई गवा। कब्जे कब्जे की बात पता नहीं बिट्टू भैया लेकिन दावत बुलाने में बहुत मौज आ रही है। मौज तो आ रही है बेटा लेकिन आप लोगों को अपना असली मकसद नहीं भूलना है कि हम लोग हवेली में क्यों घुसे हैं। फक्र है हमें भी। पप्पू भैया पता नहीं आप क्या बोले लेकिन मौज आ रही है। अब आई समझ में? आ गई मौज। ले बिट्टू भी आज की दिहाड़ी दे दीजिए हमें। देखो दिहाड़ी देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुम्हारे जो खर्राते हैं ना बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। अब अगर आज रात में तुम सोओगे तो ऐसे खर्राटे लेने हैं तुमको कि मिश्रा का परिवार और बच्चे कहें कि मम्मी कमरे में शेर आ गया भागो यहाँ से।
नहीं पैसा ऐसा मिलेगा नहीं पप्पू, ध्यान रखना इनके हिसाब। बिट्टू भी हम आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे, आज देखिए। और हमारे तुम बेटा बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही तंग किया चाचू उस दिन मिश्रा को इसने। इसको 50 ज्यादा दो है? और भाई मिर्जा कैसी रही बेघर मेहमानों की खातिरदारी? मियां हम तो नवाबों के खानदान से हैं, हमारे लिए ये नई बात नहीं है। हमारे बाप दादा के जमाने में तो हम हजारों बेघरों को अपने घर में पनाह देते थे। मियां ये तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, और वैसे भी जानते तो हैं आप कि हमारा दिल कितना बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, वैसे मिर्जा आज सवेरे हम चारबाग स्टेशन गए थे, वहाँ बहुत सारे बेघर थे, कहो तो 2-4 बेघर तुम्हारे यहाँ पहुँचा दें। ना ना ना। क्यों क्या हो गया अब कहे ना ना ना? वो भी इसलिए कि हमारे घर में मेहमान है और लोग आएंगे तो बेकार में इन लोगों की मेहमान नवाजी में खलल पड़ जाएगी। खैर आप हमारा छोड़िए, अपना बताइए क्या चल रहा है। अरे पूछो मत। अरे इसमें पूछना क्या है भाई, हम मिश्रा लोग हैं, कोई आयरे गैरे फेंकू नवाब नहीं है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ तो मियाँ उन स्टेशन वाले भक्तों को अपने ही मंदिर ले आइए ना। लो फिर और सुन लो। अरे पहले क्या घर में कम तबाही मची हुई है जो औरों को भी लाने की बात चल रही है? बिल्कुल। अरे आज सुबह से हम आटा गूंथ रहे, बता हमारे तो हाथ थक गए, उंगलियां तक दर्द कर रही हैं हमारी। सही कह रही हो सकीना। अरे इनको पहले जो थोड़ा बहुत काम करना भी पड़ता था, अब तो उससे भी पीछा छूटा। थोड़ा बहुत और क्या, करते क्या थे तुम? बस सुबह सुबह उठे, साफ सफाई की थोड़ी बहुत, कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बनाए और निकल लिए दुकान पर। अरे हमसे पूछो, पूरा दिन लेटे लेटे टीवी देखने में कितनी मेहनत होती है, अरे कमर टूट जाती है हमारी। अरे इन्हें क्या पता भाभी, इनसे मत पूछिए, इन्हें कैसे पता होगा, सारा दिन फोन पे चुगली करने से हाथ तक दुख जाते हैं हमारे, ऊपर से सारे घर का काम हमारे सर पर। अब बताओ हम उठते जाएं किसे जाए कहां? बेगम देखिए परेशान तो हम भी हैं ना। हमारे दिल की बात छीन ली मिर्जा तुमने, हमारी रातों की नींद दिन का चैन खो गया है। हमारी भी दिन की नींद और रातों का चैन हराम हो गया है। और हमारे पेट के चैन का क्या, उसका भी तो सोचो, अपने ही घर के बाथरूम में हमको लाइन लगा के खड़ा होना पड़ रहा है। आज तो मजबूर होके हमको बड़ी भी क्या जाके बकैती करनी पड़ी, बताओ। अरे बोल। और हमसे पूछिए, इबादत के वक्त गाने गाए जा रहे हैं, अब नमाज कैसे पढ़े? हमने तो पहले ही तुमसे कहा था, बताया था सब कुछ, लेकिन नहीं भाई अब भुगतो। भाभी आप क्या कह रही हैं, हमने भी इनको सलाह दी थी, पर हमारी सलाह कोई मानते हैं आप? आज तक मानिए आपने। मिर्जा अब पानी सर के ऊपर हो गया है। हो गया मियां हो गया। मियां हमने तो तय कर लिया है कि आज इन लोगों को बोल देंगे कि अपना बोरिया अब इस तरह समेटिए और हमारी हवेली से फूटिए। हमने भी चच्चू यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, अगर इन लोगों ने हम लोगों को अपनी हवेली से निकाल के बाहर कर दिया तब तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। बिल्कुल टोपा हो क्या भी, हमारे बाप ने हमारा नाम बिट्टू बहुत कॉन्फिडेंस से रखा था, हमको पता था ये बहुत बदतमीज लोग हैं, इसलिए हम प्लान भी पहले ही तैयार कर लिया रहे हैं। आने दो सबको, एक एक को बाहर करेंगे। मियां हम तो इनको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। अबे भाई जी मिश्रा मिर्जा, भगवान की दया है कि तुम दोनों ही दरवाजे है मिल गए यार। देखिए बिट्टू मियां हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे सबसे पहले हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमको तुम्हारी सुननी ही नहीं है। हमें भी नहीं सुननी है। हम कह रहे हैं एक बार सुन लेते हो तो हो सकता हमारे खुशी के उलरने लगते। हमें नहीं होना खुश, नहीं होना हमें खुश। पहले हमारी बात सुनिए। देखिए आप सब के सब अभी के अभी हमारी हवेली से फूटी है। मालिक मालिक क्या कह रहे हैं आप हम सबको घर से निकाल देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? हम हैं? अरे मेरा मतलब कि हम कहाँ रहेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा ना।
आपका नुकसान हो जाएगा मतलब? अबे यार बच्चा है, टेंशन में है, अंडरस्टैंड बड़बड़ा रहा है। इनका कहे का मतलब ये है कि अगर एक बार का दौलत चली जाए तो लौट के हो सकती है, लेकिन अगर इज्जत चली गई फिर वो वापस नहीं आती। अब अगर तुम इनको भगा दोगे अपने घर से तो ये कहाँ रहेंगे? का इनके कहीं मकान दुकान होटल है क्या? सड़क में मारे मारे घूमेंगे, फुटपाथ पे सोएंगे, चार लोग आते जाते देखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? इसलिए ये कह रहे हैं इज्जत का नुकसान हो जाएगा तो कैसे पूरा हो जाए, ये कह रहे हैं ये। हाँ, और फिर सोचिए कि देश का इतना बड़ा पत्रकार अगर सड़क पर सोएगा तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? देखा आशिक, हम ना कहते थे तुम्हारे मालिक एक नंबर के घटिया इंसान है। हमारे मालिक को देखो कितना बड़ा दिल है उनका। लड्डू बड़ा दिल है। जो फैसला इनका है वही फैसला हमारा है। हम भी अब किसी को अपने घर में नहीं रखेंगे। मिश्रा जी हमें भी नहीं। क्यों, तुम हमारी मौसी के लौंडे हो? अजय मिश्रा, हम कह रहे हैं एक बार बात सुन लेते तो ठीक रहता। देखिए मियां, हमें कोई बात नहीं सुननी है, हमने फैसला कर लिया है बस। अरे हम कह रहे हैं कि एक बार सुन लो। नहीं मतलब नहीं ना, अभी के अभी फूटिए। ऐसा है, तुम तीन बार फूटिए फूटिए कर चुके, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, बहुत तमीज सीख लो बातचीत की। नहीं बिट्टू कक्षा आठ नौ वालों मुंह नहीं लगाते, समझे? अभी बिल्कुल कैजुअल बात करो, नहीं यहाँ होगी पटकी पटका। अच्छा ठीक है, तमीज से करते हैं। लड्डू तमीज फूटिए। ऐसा है पप्पू, जब इन लोगों को अपने हजारों रुपए की फायदे की बात सुनने में सौ नखड़े दिखाने हैं तो छोड़ो, सामान पैक करो आओ चले। चलो भाई सब लोग सामान पैक करो आओ चलो। हटिए, आइए अंदर। आजू बाजू बाजू घूर क्या रहा बे? हाँ जाइए, अपना सामान पैक करिएगा, हमारा मत चोरी कर लीजिएगा। तमीज कहीं का। सही हो गया मियां। लेकिन ये फायदे की बात क्या कह रहे थे? अरे वो सुनी कहा, एक बार सुन लेते, क्या बोलते हो? जा तो रही है सब। हाँ सुन लेते हैं। चच्चू ये जो दांव चल दिए हो वो सही पड़ेगा? अरे मान लो इन लोगों ने हम लोगों को रोका ही नहीं तो। हाँ अगर घर से निकल गए ना तो नुकसान हो ही जाएगा। पे बिल्कुल पागल हो क्या यार तुम लोग? अपने चच्चू नहीं जानते हो? एक बार अर्जुन का निशाना चूक सकता है लेकिन बिट्टू भैया का निशाना ना कभी चूका है ना चूकेगा। अबे मिश्रा मिर्जा तो लौंडे हैं, इनके बाप दादा की नस नस से हम परिचित हैं। आ रहे वो लोग, आ रहे चलो। अरे अरे मियां आप सब तो फूट रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कुछ फायदे की बात बता रहे थे, बताइए। अरे अरे यार एक मिनट भैया, चलो सुनिए तो। कोई बात नहीं, मियां मियां हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुने तुम लोगों की यार? अबे भैया जब तुम कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो तो हम मूर्ख हैं क्या? खाम खाई अपने गाल बजा में बेकूफ कहीं के। बिट्टू भैया हम सुनेंगे, आप बताइए तो। ऐसा है चच्चू, पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम रुक नहीं पाएंगे और आप भी चलिए। अरे रुकिए ना, नहीं नहीं बात बताइए ना, बात बात बता दीजिए ना फिर चले जाइएगा। हाँ देखो हम सोचा रहा है तुमका बताएं सही बात कि भाई बहुत दिन फ्री रह चुके, अब तुमको रहना खाना सहित पर आदमी 10,000 रुपया दिला देते, तुम लोगों के खर्चे चल जाते, लेकिन तुम लोग बदतमीजी पे आमादा हो। 10,000? देखा देखा, हम कह रहे थे बिट्टू भैया बहुत स्वाभिमानी आदमी है, लेकिन तुमने उनका अपमान कर दिया, बात नहीं सुनते हो ना। बिट्टू भैया ये सब छोड़िए, देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना, सब लोग हमारे यहाँ रहिए चल के, कोई परेशानी की बात नहीं, सब लोग चलिए। वाह मियां वाह, इतनी तेज पलटी,
बिट्टू मियां देखिए, हमारे ख्यालात कभी आपके लिए ऐसे हो सकते हैं? ना 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 बिल्कुल नहीं, इस शख्स ने जहर बोया था, वरना हम तो ऐसे सोचते भी नहीं है। इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे। नहीं नहीं, आप इनको छोड़िए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए सब लोग, हमारे यहाँ। ना ना ना, हमारे यहाँ चलिए। नहीं बात सुनिए, आप हमारे यहाँ चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं। मियां हमारे यहाँ चलिए, ये पागल में ही था। अबे चुप पे रहो यार। ऐसा करो, हमारी बात मानो, आधे भाईजी मिश्रा तुम धर लो, आधे लोगन का मिर्जा जी आप धर लो। ठीक है, जैसे पहले जो लोग हमारे यहाँ रह रहे थे वो हमारे यहाँ रह जाएंगे, और जो तुम्हारे यहाँ रहे थे वो तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे। नहीं, हम इनके यहाँ नहीं रहेंगे, इन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है, और पैसा दे के रहने तो हम इज्जत से रहेंगे, बता रहे। कोई बात नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे इनके यहाँ, क्योंकि मिश्रा जी हम आपके मौसी के लौंडे नहीं है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है ही ऐसे, इनको छोड़िए, आप सब हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे ना, आइए। कोई दिक्कत होगी नहीं हमारे यहाँ, हम बता रहे सब लोग हमारे यहाँ चलो। मालिक, हम भी आपके यहाँ नहीं रहेंगे, आपने भयंकर बेकदरी की हमारी। अरे बेटा, वो मुंह से निकल गई ना। अब सही फंसे हो बेटा, अब देखो हवेली तुम लोगन से हम कैसे खाली कराई थी।